75 पे दिखाते हैं आपको। ये ज्ञान सागर 74 पृष्ठ पे है। सुन जुलाहा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निशिचंदा। ले सुत चले हर्ष मन कीना, तासों पुन अस बोल ही लीना। आगे क्या बताते हैं, सुत काशी को ले चले, लोग देखण ता आवे, अनपानी भखे नहीं ही, जुल्हा शोक जनावे। वो दुखी हो गए कि बेटा दूध कुछ अनपानी दूध दाद करता है पीता ही नहीं। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कहा उत्पाना। मैं सुत पायो बढ़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो सब तब वचन उचारा। पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति, हर सेवा की नी बलि भांति। कुछ तुम सेवा हर चुकी चुका, ताते भयो जुल्हा करूपा। प्रीति प्रभु गही तोर लीना, ताते उद्यान में सुत तो ही दीना। अब रामानंद को जैसा ज्ञान था वैसा उसका समाधान कर रहा है नीरू का। अब क्या बताते हैं, हे प्रभु जस किन्नो उपायो, आरत को तू दर्शन आयो। सो कहियो उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। भूखा बेटा है कुछ खा ले, इस विधि बता ब्राह्मण। रामानंद अस युक्त विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तुम्हारा बेटा बहुत कोई विद्वान पुरुष है। और बच्चिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाडे करते ही आगा। अब कहते हैं वो बछिया लिया जिसको कभी बैल ना लागा, यानी कति कंवारी हो, उस कंवारी बछिया ले आना और तब उसके पास खड़ा कर देना। दूध चलेते ही थनते, दूध ही धरे छिपाई। अक्षुदावंत जब हो ताही देव खाई। जुल्हा एक बछिया ले आया, चलो दूत कोई मर्म न पावा। चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाई कहूँ नहीं जाना। अब कबीर पंथियों ने अपने क्योंकि 600 साल हो गए इन्हें गोडे रगड़त्या ने, कबीर पंथियों ने कबीर सागर को समझ नहीं सके, तो इन्होंने जिस जिसने जैसे भी ज्ञान को समझा उसी आधार से इस कबीर पंथ के कबीर सागर जी में कुछ कुछ परिवर्तन या काटा पीटी कर दी ने। इसलिए कबीर साहब ने कहा था धर्मदास जी को कि संवत 1774 सोई तादिन जग प्रेम प्रगटे जग सोई, कि संवत 1774 इसमें गलती से 75 मिसप्रिंट हो रहा है। उस समय मेरा एक प्रेमी आत्मा आवेगी, मेरी महिमा का प्रचार होगा, वो उसकी वो मैं उसको प्रगट होकर के दर्शन दूंगा, फिर वो मेरी महिमा की वाणी को वो पुनः जो है ना सच्चाई उसमें जो त्रुटियां कर दी ना कबीर सागर वाला ने उसको फिर से सुचारू करेगा, उसको उसकी पूर्ति करेगा। लेकिन वो वाणी को लिख जाएगा कबीर जी का, जैसे गरीबदास जी आए थे 1774 में और परमात्मा उनको मिले, सचखंड सतलोक दिखाया वापस छोड़ा, तब गरीबदास जी ने उसका यथार्थ चित्रण जो 600 वर्ष पहले मालिक ने जो लीलाएं की थी वो एज इट इज लिख दिया। तो इसमें आपने पढ़ा कि तत रामानंद जी से प्रार्थना लिख बताई है, फिर बताया कि एक दूत आया था, वो दूत बता कर चला गया। वो दूत कौन था, वो स्वयं परमात्मा ये शंकर भगवान थे, शिवजी थे, क्योंकि ये शिवजी की पूजा करा करती थी। अब तब भी वो शिवजी को नहीं भूले थे। और वैसे परमात्मा कबीर जी ने बताया है कि वही मोहम्मद, वही महादेव, वही आदम, वही ब्रह्मा, और कह कबीर दूसरा कोई नहीं देख अपने घर में। अब मोहम्मद जी जो है शिव जी के ही लोक से आई हुई एक पुण्यात्मा थी। मोहम्मद जी जो है ये शिव जी के ही उपासक थे, शिव जी का कोई गण थे, वाची आत्मा जो शिवलोक में चले जाते हैं फिर अपना संस्कार पूरा होने के बाद वो फिर प्रगट होते हैं।
कहते हैं वही मोहम्मद वही महादेव है, वही आदम वही ब्रह्मा, आदम जी जो थे ब्रह्मा जी के अवतार थे। और कहते हैं कहे कबीर दूसरा कोई नहीं देख अपने घर में। अगर तू कुछ देखना चाहता है अध्यात्मिक का मार्ग बताते हैं, इससे तू निर्णय कर ले, क्योंकि जितने भी मानव पृथ्वी पर हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चाहे कोई भी धर्म से संबंधित है, एक जैसे अंग हैं सभी के, और उनमें सभी में कमल बने हुए हैं शरीर के अंदर। और कहते हैं तो ये भक्ति करके देख लो, थरना यकीन होता है तो उसमें आप देखोगे कौन ब्रह्मा है। वही ब्रह्मा जिसको तुम आदम कहते हो, वो ब्रह्मा के लोक का जब आपका वो कमल खुलेगा उसका पूरा विस्तार चित्रित आपके सामने हो जाएगा। वहाँ आप कितने दिन तक वहाँ आदम जी रहे हैं उसकी पूरी हिस्ट्री की जानकारी वहाँ आप ले सकते हो। यानी ब्रह्मा जी का ही एक गण था, अच्छी आत्मा ब्रह्मा के लोक से आए हुए वो आदम जी थे। ऐसे मोहम्मद जी जो थे ये शिव जी के लोक से आए हुए गण एक अच्छी आत्मा थी। तो तुम्हें फिर पता लग जाएगा जब आपका शिव जी का जो कमल है हृदय में, ये जब साधना करोगे अगर ये खुल गया और इसमें जैसे टीवी चैनल चालू हो गया तो आप देख सकते हो। जैसे हमारे हृदय कमल में ना एक कमल है जिसकी 12 पंखड़ी है, इसमें पार्वती और शिव जी का चित्र दिखाई देता है। वो हैं तो अपने लोक में, वहाँ से चित्र दिखाई देते हैं, क्योंकि जैसे प्रत्येक घर में टीवी रखा है और जो उनसे चैनल को ऑन करोगे उसी में उस स्थान पर जो कार्यक्रम हो रहा है वो आप टीवी पर देख रहे हैं। तो ऐसे इस हमारे शरीर में चैनल हैं, कमल हैं, जो भी कमल जिसका खुल जाएगा उस लोक में के हो रहा है, कहाँ क्या हुआ है, पहले भी क्या हुआ है, वो सारा आप देख सकते हो। जैसे सीडी बनी हुई होती है उस तरह भी आप उसमें इसमें फीड हैं, ऐसे भी चलते हैं चलचित्र की तरह, और वर्तमान में क्या हो रहा है वो भी देख सकते हो। देखते हो लाइव टेलीकास्ट होता है, एक पहले का रिकॉर्डेड भी देख सकते हो ऐसा। तो कबीर साहब कहते हैं और ना मानते तो न्यू देख लो, तुम एक ही हो, अलग नहीं है। तो अब क्या कह, संवत 1774 होई संवत, और ता दिन जग प्रेम प्रगटे जग सोई। और फिर कहते हैं वो फिर मेरी महिमा की वाणी प्रगट होगी, और कहते हैं ज्ञान हमारे का निर्णय ठानी, अब मेरे द्वारा इस ज्ञान को दिए हुए का वो निर्णय करेंगे पर समझ नहीं पाएंगे। तो कहने का भाव कि जो ज्ञान इन कबीर पंथियों ने खराब कर दिया उसकी पूर्ति कराने के लिए कबीर परमेश्वर जी आज से 250 वर्ष पहले सन 1727 में, जब गरीबदास जी 10 वर्ष के थे, संवत 1784 में, वो स्वयं कबीर परमेश्वर सतलोक से आकर चले गए थे, आए थे, गरीबदास जी को लेकर ऊपर गए थे, सारी महिमा से परिचित कराया था, फिर गरीबदास जी को वापस छोड़ दिया था। फिर गरीबदास साहिब जी ने वो परमात्मा का यथार्थ ज्ञान फिर से दिया। अब कबीर सागर से जो मेल खाता वो सही है, और जो इन्होंने गड़बड़ कर दी वो इस गरीबदास जी की वाणी से हमने सेट कर ली कि यहाँ इन्होंने गड़बड़ कर दी। इन्होंने दूत कह छोड़ दिया, वो दूत कौन था, वो शिव जी थे। अब गरीबदास जी ने कहते शिव उतरे शिव पूरी से अवगत वतन भियोगे, अभी आपको सुनाएंगे पूरी वाणी गरीबदास जी की। अब ये थोड़ा सा चित्र देते हैं कि कुंवारी गाय को, अब जैसे कहा है कि बछिया लाओ जाको बैल नहीं लागा, यानी कभी तो अभी पूरी कुंवारी, और यही प्रमाण वेद दे रहे हैं, क्योंकि पवित्र हिंदू धर्म के जो पुण्यात्मा हैं वो अपने वेदों को एथेंटिक ज्ञान का मानते हैं, यानी प्रमाणित ज्ञान मानते हैं, उनमें जो लिखा फाइनल है नथिंग एल्स, और जो वो प्रमाण जो लक्षण बता रहे हैं भगवान के वो किस में मिल रहे हैं, किस में घट रहे हैं, किस में खरे उतर रहे हैं, फिर वो भगवान है, अंडरस्टूड है। हमने परमात्मा की पहचान करना और करवाना मुश्किल है, भगवान पाना मुश्किल नहीं है, ये सत्कर मान लो। संकट कोई बड़ी बात नहीं, भगवान छो मंत्र कर दे एक सेकंड में और आप उसे दुखी नहीं देखे जा रहे, लेकिन वो इसलिए आपको तुरंत राहत नहीं देता कि ये फिर जाड़े लुआण की आदत पड़ रही है, फिर आवें कोई ना बोर्ड के यहाँ पे दोबारा नहीं आएंगे, और परमात्मा चाहता रह रह कर आवें। आप आन जान में जो आप किराया भाड़ा खर्च समझते हो ये पुण्य में है आपका, और ये पुण्य आपका इतना फड़ेगा आपको पता नहीं के दे देगा भगवान। और मोक्ष चाहिए हमने, फिर लास्ट में मोक्ष के लिए सारा कुछ कर रहे हैं।
अब ये प्रमाणित करते हैं, जैसे कबीर सागर में आपने देखा कि कबीर परमेश्वर ने अन्न नहीं खाया, दूध नहीं पिया, तो रामानंद जी ने बताया कि एक कुंवारी बछिया ले जाओ और जो कभी सांड ने टच ना करी हो बैल ने, अर्थात कुंवारी, और फिर उसका दूध पीवेगा। ऐसा गरीबदास साहिब जी ने बताया। अब बीच में वेदों को साथ लेते हैं क्योंकि वेदों को हम सत्य मानते हैं। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 1 और मंत्र नंबर 9, ये देखिएगा, ये 9-10 इकट्ठा है, और यहाँ देखें ये कहाँ से प्रकाशित है। प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षिदानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब यहाँ देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 का और मंत्र नंबर 9, यहाँ देखिए यह है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का, मंत्र नंबर 8 से लेते हैं पहले। वैसे तो ये लेना पड़ेगा यहाँ से क्योंकि इन्होंने गड़बड़ कर रखी है थोड़ी, क्योंकि निराकार बताते थे परमात्मा को। अब देखो यहाँ प्रथम मंत्र में मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1, जो एक है नौ मंडल यहाँ स्टार्ट होता है, इसका प्रथम मंत्र और प्रथम ही सूक्त है ये। इसमें लिखा है हे परमात्मन, सोम स्वभाव वाले परमात्मा, यानी परमात्मा की महिमा गाते आ रहे हैं ये। और दूसरे मंत्र में भी हे परमात्मन आप राक्षसों के हनन करने वाले हो, संपूर्ण विश्व के दृष्टा हो, सबके उत्पत्ति स्थान हो, किसी अस्त्र शस्त्र से छेदन नहीं किए जाते, गतिशील होकर मध्य स्वरूप से सर्वत्र स्थित, सर्वत्र नहीं है ये स्थित है। तो यहाँ परमात्मा, फिर तीसरे में भी हे परमात्मन हम जो सिद्ध करना चाहते हैं, चौथे में भी हे परमात्मन, और पांचवे में भी हे परमात्मन, और छठे में भी हे परमात्मन, और यहाँ भी दली गिर गई, सातवें में भी इन्होंने फिर कर दिया उस पुरुष को, ये सातवें में उस पुरुष को, पुरुष माने प्रभु परमात्मा ही समझो, ये जान के पुरुष लिखना शुरू कर दिया। अब यहाँ फिर आठवें में उस पुरुष को आए है, तो यहाँ भी परमात्मन लिख दे, उस परमात्मन को, उस परमात्मा को उग्र गतियाँ प्रेरणा करती हैं, यानी हाहाकार माच जाती है संसार में, जैसे ही माच रही है तो परमात्मा फिर आते हैं, प्रेरणा करती हैं उस पुरुष को, यानी उस परमात्मा को उग्र गतियाँ प्रेरणा करती हैं, और यानी भासमान शरीर को, यानी तेजोमय शरीर को वह पुरुष यानी परमात्मा प्राप्त होता है। ये देखिएगा और जिसमें त्रिधातु यानी तीन प्रकार से दूसरों का कल्याण करने वर्ण वन कल्याण करने वाला शरीर मिलता है, यानी तीन प्रकार से परमात्मा आते हैं, एक तो बच्चा बालक रूप धारण करके आते हैं, या किधर जिंदा महात्मा रूप करके आते हैं, और एक वो बैठे ही अपने उस रूप में। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में यह स्पष्ट कर दिया है, है। उस ये देखो अभी अधन्या, अधन्या माने अहिंसनीय, अभी माने सब प्रकार से, अभी अधन्या, अधन्या माने बिना दनाई, अभी माने पूर्ण रूप से, जाके संग बैल नहीं लागा, वो कुमारी गाय बछिया, धेनु माने गाय, संस्कृत देखिएगा, अभी अधन्या उत्सृणंती धेनव शिशुम सोम इद्राय पातवे, ये नौवे, तो इम माने उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, अमर परमात्मा को, ये सोम माने अमर परमात्मा को, पुरुष माने परमात्मा को, जो शिशु रूप में प्रकट होता है, शिशुम रूप में जो प्रकट होता है, इन्होंने कुमार अवस्था में ही अभी अधन्या यानी कति पूर्ण रूपेण अंटस बिना धनाई, यानी अभी माने सब प्रकार से, अधन्या माने बिना धनाई, यानी गाय को हम बिना धनाई कहते थे, भैया धनाई नहीं से गाय, तो अभी अधन्या माने कुंवारी गायें, गोएं